नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे 50 प्रश्न जो मिलेंगे उनमें प्रश्नों के जो स्तर हैं वो टीजीटी और पीजीटी दोनों स्तर रखे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस गुफा में मिलता है। आपको बताना है कि सबसे पहले भारत शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो किस गुफा में मिलता है। चार विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर हम सही ही विकल्प बताएंगे। तो सही विकल्प यहाँ होगा ऑप्शन बी, हाथी गुफा में। तो सबसे पहले भारत शब्द का उल्लेख जो मिला हुआ है हाथी गुफा में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो, कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, सातवाहन शासक। तो कन्हेरी गुफा का निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर विकल्प नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उत्तर आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन, पीतल खोरा गुफा कहाँ स्थित है। पीतल खोरा गुफा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो पीतल खोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पांच, महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाती है। महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे प्राचीन जो गुफा है वो कौन सी है, इन चार विकल्पों में से बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भांजा की गुफा। तो महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे प्राचीन गुफा भांजा की गुफा मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः, 1785 में मौर्यकालीन गुफाओं की खोज किसने किया था। तो 1785 में मौर्यकालीन गुफाओं की जो खोज हुई थी उसको किसने खोजा था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैरिंगटन। तो 1785 में मौर्यकालीन गुफाओं की खोज करने वाले हैरिंगटन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, आजीविक संप्रदाय के रहने के लिए सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक। तो आजीविक संप्रदाय के रहने के लिए सबसे पहले अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ, अशोक ने बिहार के गया जिले में वारावर की पहाड़ियों पर कुल कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो बाराबर की गुफाओं में गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था उसको अशोक ने करवाया था, बिहार के गया जिले में है, और कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार गुफाओं का। तो अशोक ने बिहार के गया जिले में
वारावर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो सही जवाब होगा मशकी पुत्र गोशाल, ऑप्शन ए। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मशकी पुत्र गोशाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सातवाहन शासक। तो कन्हेरी गुफा का निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का समय क्या है? आदिकाल, मध्यकाल, तो मध्यकाल का समय पूछा गया है। इसका समय कब से कब माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी का जो कार्यकाल है उसको मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए के स्वामी, ऑप्शन बी। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के बारे में सबसे पहले ए के स्वामी ने जानकारी दिया। अगला प्रश्न है, पाल शैली की सचित्र पुस्तकें किस धर्म पर आधारित हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। तो पाल शैली की सचित्र पुस्तकें बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? सही जवाब होगा पाल शासक, पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हैं? पाल शैली के जो चित्र बने हैं किस धरातल पर बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो पाल शैली का प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बौद्ध चित्रकला का अंतिम प्रमाण किस शैली में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल शैली। तो बौद्ध चित्रकला का अंतिम प्रमाण पाल शैली में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। पाल शैली को बिहार शैली, पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा? तो पाल शैली को बिहार शैली वाले कहने वाले हैं हेलेन रूबियो, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, पाल शैली के संस्थापक कलाकार माने जाते हैं, पाल शैली के संस्थापक कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धीमान व बितपाल। तो पाल शैली के संस्थापक कलाकार धीमान और बितपाल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किया किसने? पाल शासक, मौर्य शासक, सेन शासक या शुंग शासक? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पाल शासक। अगला प्रश्न है, पाल शैली के ताड़पत्रों की माप क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22x2। पाल शैली के ताड़पत्रों की माप 22x2। अगला देखते हैं, पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महायान। तो पाल शैली के जो चित्र हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र का समय क्या है? तो पाल शैली के चित्रों का जो समय है
वो 7वीं से 12वीं शताब्दी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पाल शासक देवपाल के समय मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कुकिहार बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रज्ञा परमिता। तो पाल शैली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रज्ञा परमिता है। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंथलवासर गुफा से प्राप्त 5 जैन मूर्तियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ था? जैन शैली के चित्रों का निर्माण हुआ था 11 से 15वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। किस शैली की रेखाएं कोणात्मक तरीके से बनी हैं? किस शैली की रेखाएं कोणात्मक तरीके से बनी हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जैन शैली। अगला प्रश्न है, जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम किसने दिया? जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम देने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास ने जैन शैली को अभ्रंश शैली कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रंग से। तो ऋषभनाथ की आकृति को स्वर्ण रंग से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए के स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन शैली के सर्वाधिक चित्र किस पर बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताड़पत्रों पर। तो जैन शैली के सर्वाधिक चित्र ताड़पत्रों पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। जैन शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जैन शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो जौनपुर माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुई के ढेर की तरह बादलों का चित्रण किस शैली में बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभ्रंश जैन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। जैन शैली के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, निशित चूड़ी ग्रंथ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। अभ्रंश शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। परली आंखें किस शैली की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन अभ्रंश। तो परली आंखें जैन अभ्रंश शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। कल्पसूत्र के स्वर्ण अक्षरों में लिखी प्रति कहाँ से मिली हुई है जिसका लिप काल 1467 ईस्वी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जौनपुर। तो कल्पसूत्र के स्वर्ण अक्षरों से लिखी प्रति जौनपुर से मिली है जिसकी लिपकाल 1467 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अभ्रंश शैली के अधिकांश चित्र किस पर बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं? सही जवाब होगा
ऑप्शन ए दक्षिण भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात शैली के को किस नाम से जानते हैं, गुजरात शैली को किस नाम से जानते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन शैली। तो गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी अग्नियुक्ति वृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43, अभ्रंश शैली को किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुनहरा। अभ्रंश शैली में सबसे अधिक रंग का प्रयोग हुआ है सुनहरा रंग का। अगला प्रश्न है, जैन शैली के सभी तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित किए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45, भारतीय कला में बेल बूटे का आरंभ किस शैली से माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन शैली। तो भारतीय कला में बेल बूटों का आरंभ जैन शैली से माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है धर्मसूत्र कहाँ छपा था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47, बसंत विलास का चित्रण किस पर हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कपड़ा। तो बसंत विलास का चित्रण कपड़ा पर हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48, पाल शैली पर किस कला का प्रभाव है। तो पाल शैली पर अजंता कला का प्रभाव है, ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है सूची का मिलान करना है, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ नेमिनाथ ऋषभनाथ और इनका विशेष रंग मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, महावीर स्वामी को पीले रंग से मिलान करते हैं, इसके बाद पार्श्वनाथ नीले रंग, नेमिनाथ काले रंग और इसके बाद ऋषभनाथ ये स्वर्ण रंग। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सावन का महीना किस शैली का चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सावन का महीना किस शैली का चित्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन शैली। तो सावन का महीना जो चित्र है वो जैन शैली में बना हुआ है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।